Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप घर पे बिना किसी curling rod या बिना किसी heat के आप अपने hair curl कर सकते हो बहुत आसानी से. Actually to be very honest ये common topic है, पर basically जो मैं आपके लिए method लेके आई हूँ ना वो unique है, वो काफ़ी different है. वो unique इसलिए क्योंकि उसमें use होने वाले हैं ये मेरे हस्बैंड के सॉक्स. नो स्मेल नहीं आ रही है, जस्ट किडिंग. ये सॉक्स हैं, यही जी हमारा जो टूल है आज की वीडियो में बनने वाले हैं, और इसी की हेल्प से मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप अपने हेयर आराम से बहुत इजीली कर्ल कर सकते हो. तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो. सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने हेयर को थोड़ा वेट कर लेंगे, जैसे मैंने अभी कर लिया है, और मैंने सेंटर पार्टीशन कर लिया है अपने हेयर का. सबसे बेस्ट टिप तो ये है इसके लिए कि आप जब हेड बाथ लें जिस दिन और आपके हेयर 80% ड्राई हो गए हों, उसके बाद आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपको हेयर अलग से वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, चाहिए क्या आपको? 6 सॉक्स यू विल बी नीडिंग. कैसे भी सॉक्स चलेंगे, आपके खुद के लंबे साइज के एंकल लेंथ, जो बहुत छोटे लोफर लेंथ हैं वो काम नहीं करेंगे, तो एंकल लेंथ तक काम करेगा. और अगर लॉन्ग सॉक्स हैं वो वाले हैं तो वो भी चलेंगे. 6 सॉक्स की रिक्वायरमेंट है हमें. 2 हम आगे यूज़ करेंगे, दो हम राइट में, 2 लेफ्ट में, और 2 सॉक्स हम बैक में यूज़ करेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं ये एक स्टैंड ले लूँगी. अगर आपको रोल्स या कर्ल्स पतले पतले चाहिए तो आप पार्टीशन कम लीजिए और सॉक्स ज़्यादा यूज़ कीजिए. मुझे रोल्स जो है नॉर्मल साइज़ के रिक्वायर्ड है, तो मैं 6 सॉक्स यूज़ कर रही हूँ. ये देखिए, इस तरीके से कॉर्नर वाला जो सबसे नीचे का जो टिप है हेयर का, वो यहाँ रखेंगे और सॉक्स में रोल करते हुए टॉप तक पहुँच जाएंगे, लाइक दिस. और नॉट लगा लेंगे. ये हो गया मेरा पहला कर्ल तैयार. सेकंड पे आ जाएंगे. मुझे अपने हेयर, अपने लुक्स सबके साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है, और मैं जल्दी ही आपके लिए हेयर कट वीडियो भी लाने वाली हूँ. तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखते देखते सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं जाता है इसमें. और हाँ, लाइक एंड ऑल आप सिर्फ तभी कीजिए जब आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, और मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं कोशिश तो करती हूँ आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँ. ये सेकंड लिया है मैंने, एक बार और देख लीजिए. देखिए कितना, मतलब बातें करते करते आपके कर्ल्स तैयार हो जाएंगे. और मैं इसे नाइट में करती हूँ, अभी रात के 11 बज रहे हैं इस समय और मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और मैं ये करके सो जाऊँगी और कल मॉर्निंग में मैं इसको ओपन करूँगी. कोई भी टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा और मुझे अलग से टाइम डिवोट नहीं करना पड़ा इसके लिए. एक टिप आपको देना चाहूँगी, अगर जैसे आपको बहुत जल्दी है कर्ल करने की और आपके पास कर्लर नहीं है बट आपके पास स्ट्रेटनर या ड्रायर है, तो आप इस तरीके से रोल कर लीजिए और उसके बाद इसको ऐसे कर्लर से या ड्रायर से ड्राई कीजिए इस पे, या स्ट्रेटनर से इसको ऐसे प्रेस कीजिए. कर्लर बोल दिया मैंने, सॉरी स्ट्रेटनर बोलने वाली थी. तो उससे ये होगा कि विद इन हाफ एन आवर आपके कर्ल्स तैयार हो जाएंगे बिना कर्लिंग रॉड के. और भी बहुत सारे कर्लिंग मेथड्स हैं जो कि मैं 1-to-1 आपके लिए लेके आती रहूँगी. ये देखिए आगे का पोर्शन तैयार हो गया. लास्ट देखिए कितनी जल्दी बन गया. इससे जल्दी कर्ल हो पाएंगे क्या? मतलब फॉर एग्जांपल आपको कल रात में पार्टी में जाना है, तो आपने आज रात में हेड बाथ लिया और आप ये करके सो गए मॉर्निंग तक आपके. आप चाहें तो फिर पूरा दिन मॉर्निंग में भी मत खोलिए, इवनिंग में अच्छे से अपने हेयर ओपन कीजिए
एंड आपके मस्त कर्ल तैयार हो जाएंगे बिना किसी टाइम वेस्ट के और कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगा। तरा होममेड कर्ल रोलिंग तैयार है। अब मैं सो जाऊंगी और मैं मॉर्निंग में आपको इसका रिजल्ट आपके सामने ओपन करके दिखाऊंगी। गुड नाइट, मॉर्निंग में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम बैक अगेन। सारा का सारा मॉर्निंग रूटीन मैंने कंप्लीट कर लिया है। माय हस्बैंड इज़ गॉन टू ऑफिस, बेबी स्लीपिंग। अब मैं टाइम निकाल के आपके पास आ गई हूँ। इट्स 12:00, 12 बज रहे हैं इस समय, तो ऑलमोस्ट मुझे 12 घंटे हो गए हैं, उससे ज़्यादा ही हो गया है। तो अब आपके सामने रिजल्ट खुलने वाला है, लेट्स सी कैसा रहता है। फिंगर्स क्रॉस। दिस इज द वे टू ओपन इट। एक बार इसको ऐसे करके प्रेस कर लेंगे ना तो कर्ल्स थोड़े से और स्टेबल हो जाएंगे। फोर्थ वन, अच्छा लग रहा है, काइंड ऑफ नाइस ना। थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ हेयर को, मुझे साइड पार्टीशन पसंद है तो लेट मी जस्ट do that. थोड़े से curls open कर लूंगी। Again, एक बार ऐसे। अरे come on यार, घर में बैठ के रात में मैंने curl कर लिया और इस तरीके से मुझे result मिल रहा है तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है, मैं आपको बैक से दिखाती हूँ। सो दिस इज माई कर्ल्स, बेबी कर्ल्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइट ऐसे प्रॉपर वाले कर्ल्स नहीं है। एकदम से कितना लुक चेंज हो जाता है हेयर से। टिप देना चाहूँगी गाइस, अगर आप अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी का मेकओवर चाहते हैं तो स्टार्ट फ्रॉम योर हेयर। अपने हेयर को कलर कराइए, हेयर कट दीजिए अच्छा सा और इस तरीके का कुछ करते रहिए, देखिएगा आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी में एकदम से सडन चेंज आ जाएगा। जैसा कि मुझे लग रहा है हेयर चेंज होने से एकदम से कितना अच्छा सा लुक आ गया मेरे ओवरऑल लुक में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया ये वीडियो शूट करके। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ 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 लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, कोई फीडबैक है तो कमेंट 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 कीजिए। कमेंट करने से ये होता है कि मुझे पता चलेगा मैं क्या गलत कर रही हूँ और अगर अच्छे कमेंट्स मिलेंगे तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा, एक मोटिवेशन मिल जाता है, दैट्स इट। बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और यूज़ कीजिए उन टिप्स को जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं हेयर से रिलेटेड और वीडियोस लाने वाली हूँ। मेरी थ्रू आउट अभी 2-3 वीडियोस हेयर से रिलेटेड ही होने वाली हैं जिसमें हेयर कट होगा, हेयर स्टाइल्स होंगे बहुत सारे, तो आप बने रहिए मेरे साथ। बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। अभी के लिए टाटा बाय फॉर नाउ।